फ्रेंड्स, तो ये हम कंटिन्यू करते हैं कस्टम्स बेसिक डेफिनेशंस में। अभी हमने बताया इंपोर्ट एनी कन्वेंस, कन्वेंस की जो डेफिनेशन दी है वेसल्स, एयरफोर्ट, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, पर्सन इन चार्ज, ठीक है। तो अब हम ये सारी डेफिनेशंस को कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल समझते हैं इन सब डेफिनेशंस का मतलब। तो ये समझिए आप, ये आपका इंडिया है, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। हाँ जी, अब इस इंडिया से ये जो 200 दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो 200 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स का एरिया है, इस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसका जो लोअर लेवल होता है, लोअर बेस को अपर बेस को कहते हैं, और इसकी लोअर को कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये हमने आपको सर्विस टेक्स्ट में पढ़ाया था कि यहां तक सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल अप टू दिस 200 नॉटिकल मील्स माइल, 1 माइल इक्वल टू 1.78 किलोमीटर होता है। तो ये करीब आप ये समझिए 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इसके जो बाद का जो एरिया होता है, ये जो है इसके बाद का एरिया जो है ये होता है हाई सीज, जिस पर सभी देशों का बराबर, ये जो एरिया है हाई सीज, इस पर सारे कंट्रीज का राइट होता है। इससे पहले वाला जो एरिया है, इस एरिया में भी ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, समझे, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, इसको कहते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसको क्या कहते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जो हमने डेफिनेशन बताई थी, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये इंडिया का एरिया माना जाता है। यहां से आगे जाने पर ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन इस 12 नॉटिकल से आगे 12 नॉटिकल तक, यानी इस 24 नॉटिकल तक का जो एरिया होता है, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं या तो कंटिगुअस जोन, कंटिगुअस जोन कहते हैं इस, या इसको और इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर,
यानी कोई यहां से भाग रहा है या माल जा रहा है तो इस एरिया में हम कन्फिस्केट कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं, गुड्स को अरेस्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यानी ऑफिसर्स का राइट, हमारा जो ऑफिसर्स का राइट है इस पूरे रेड वाले पोर्शन पर चलता है। ओके, तो ये आपका जो 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, यदि 12 नॉटिकल के बाद ही इंडिया में यदि यहां से माल निकलता हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो 12 नॉटिकल्स का इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन इसके बाद का ये हर समय 12 रहता है, तो ये यूं करके ही जाएगा जिस एंगल से जा रहा है, सारी तरफ इसी तरह से जाएगा। ओके, तो यहां पर इंडियन कस्टम वाटर है, यहां पर यदि कोई भाग रहा है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आती है आपको समझ में? अब यहां पर क्या है, हम हमारे लोगों के पोर्ट होते हैं, ये पोर्ट है, मान लो ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, तो ये जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट कौन सी जगह, ये समझ लीजिए जैसे मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म, ये जो है आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये कुछ प्लेटफॉर्म, हाँ जी सर, नमस्कार, हाँ बस बढ़िया, कहाँ पर है? अच्छा 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 बताइए, तो किसी दिन आए नहीं, आप कह रहे थे आएंगे। अच्छा 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 हाँ वहीं बैठते हैं। हाँ 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 ठीक है, तो ये स्टेट एक्साइज है उसके अंदर में आता है। शाम को बात कर लूंगा, वो जो दूसरी मंजिल वाला है वो लेता लाता रहता है ना, उसको शराब का लाइसेंस है, है ना? नहीं, उसका रेस्टोरेंट है तो उन सबसे बने रहते हैं ना, बाहर है ना उसकी, तो हाँ 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 अंसल फॉर्चून में एक दूसरी जो है ना उस सिल्वर टावर के बराबर में नहीं है, दूसरी में वो वाला दोस्त है अपना, पता करता हूँ सर, पता कर लो आप, फिर कल वो गंगा तक करते हैं। ठीक 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 सब बढ़िया बढ़िया, और आपका कौन कौन कर रहा है ऑडिट वॉडिट? ऑडिट काम के अरोड़ा से करा देते हैं। अच्छा 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 जो एम के अरोड़ा नहीं है क्या? हाँ 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 ठीक ठीक देखो, हम इसको थोड़ा कहीं साथ में करा देना, इससे अपने अलग कराएंगे या तो आपका जैसे भी होगा। ठीक 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज करता हूँ। ठीक 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 हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ साथ ही नहीं, सीए का दिया है ना, अभी रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तो बस जा रहे थे। ठीक 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 मैं निकालता हूँ निकालता। हाँ जी,
तो ये किया कॉपी आपने, तो जो ये जो पोर्ट होते हैं इनमें से, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो नोटिफाइड पोर्ट होते हैं वहीं पर माल लाया जा सकता है। मान लो ये नोटिफाइड है, और यदि कोई आदमी इन पोर्ट्स पर माल उतारता है जो नोटिफाइड नहीं है, तो उसको स्मगलिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्मगलिंग। यदि इस नोटिफाइड की जगह यहां पर माल निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं स्मगलिंग। जैसे आप रेलवे में उतरते हैं, ठीक है ना, तो रेलवे में जो उतरते हैं या मेट्रो से जो उतरते हैं, तो मेट्रो में तो जो बैरियर लगे होते हैं, है ना, इसी तरह मेट्रो तो रास्ते में रुकती नहीं, लेकिन इंडियन रेल का क्या हाल है, बीच में चैन खोल करके आदमी थोड़ा जो नोटिफाइड रेलवे स्टेशन है उससे पहले उतर जाता है और पटरी पार करके बिना टिकट चला जाता है, तो उसको विदाउट टिकट कहते हैं। इसी तरह ये जो विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट नोटिफाइड पे गए हुए जो माल उतरता है उसको कहते हैं स्मगलिंग। ओके, तो बाकी मैंने टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताई दी। अब ये जो नोटिफाइड होता है ये बेसिकली आपका जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है उसी की तरह है। यहाँ पर एक जिस तरह ये जो है बैरियर लगे होते हैं मेट्रो के, ये खुलते बंद रहते हैं, यहाँ पर आप कार्ड स्वैप करते हैं तभी ये खुलता बंद होता है। हाँ जी, कस्टम, इसको कहते हैं कस्टम पोर्ट। ये तो अननोटिफाइड हो गया, नोटिफाइड कस्टम पोर्ट, ये भी समझ लो नोटिफाइड कस्टम पोर्ट है। तो इस कस्टम का पोर्ट का ये मान लो ये सारा एरिया है, ये प्लेटफार्म है, और यहां पर एक होती है जगह सामान उतारने वाली, इसको कहते हैं बर्थ। बर्थ बनी हुई होती है सामान उतारने के, अलग अलग प्लेटफार्म बने होते हैं और यहाँ पे ऑफिसर बैठता है। तो ये जो कस्टम बैरियर होते हैं, यहां पर आप जिस तरह कार्ड स्वैप करते हैं मेट्रो के अंदर, इसी तरह यहां पर जो है जब तक आप कार्ड स्वैप नहीं करेंगे, कार्ड स्वैप का मतलब यहां पर ड्यूटी का पेमेंट देना होता है, इंपोर्ट ड्यूटी हो या एक्सपोर्ट ड्यूटी। हालांकि टेक्निकली लैंग्वेज के अंदर इस पॉइंट पे इंडिया में माल इंपोर्ट मान लिया जाता है और इस पॉइंट से बाहर एक्सपोर्ट माना जाता है लीगली, लेकिन प्रैक्टिकली एंगल से आप इंपोर्ट की डेफिनेशन दो हैं, ये जो है ड्यूटी पॉइंट ले, अदरवाइज लीगली है, लेकिन क्या होती है ड्यूटी यहीं पर लेवी हो जाती है, ड्यूटी यहां पर लेवी हो जाती है एडवांस एक्सपोर्ट असली में यहां माना जाता है और इंपोर्ट यहां पर होता है, लेकिन एक्चुअली में इंपोर्ट ड्यूटी यहां लगती है। ठीक है, क्यों लगती है? क्योंकि इस स्टेशन पर से माल हो सकता है यहां एंटर होके भी वापस जा सकता है, इसलिए ये ड्यूटी यहां लगती है। इसी तरह यहां पर कुछ इसी कस्टम पे जिस तरह रिटायरिंग रूम होते हैं, इसी तरह ये जो है ना ये बैरियर है, यहां से बाहर निकलते हैं तो ये जो बियर हाउस है, इस बियर हाउस में भी माल रखा रहता है। तो जिस समय हमारा माल यहां एंटर करता है, जिस तरह आप जिस समय मेट्रो स्टेशन में घुसते हैं उस समय आप सवारी हैं, और जब तक इस बैरियर से नहीं निकलते तब तक आप पैसेंजर हैं। इसी तरह जैसे ही माल यहां से एंटर होता है और यहां से लेके इस पोर्शन तक, यहां तक जो माल है, ये माल यहां से आपका चला, ये माल यहां से एंटर होके जब यहां तक चला, तो यहां तक ये माल इंपोर्टेड माल कहलाता है, और जैसे ये क्लियर हो जाता है ये अब इंपोर्टेड नहीं कहलाता। इंपोर्टेड कब कहा जाता है? यहां एंटर हुआ और यहां से लेके यहां तक माल, यानी यहां से चाहे वो बियर हाउस में रखा हुआ हो, यहां से होके यदि वो यहीं पे रुका हुआ है या बियर हाउस में रुका हुआ है तब तक वो इंपोर्टेड कहलाता है। यहां रखा है ये बियर हाउस, यहां से मान लो ये बियर हाउस चला गया और बियर हाउस से फिर इधर आया,
तो वो जब यहां से निकल जाएगा उसके बाद वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। जो हमने डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, इम्पोर्टेंट मीन्स हु एंटर्स इनटू द इंडियन टेरिटोरियल वाटर बट नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। यहां जब ड्यूटी पे की जाती है तो उसको कहते हैं क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। आजकल ई ड्यूटी भी पे हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री बन जाती है। ओके, तो ये आपने कुछ बातें समझी। तो यहां हम लोग कंफिस्केट कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, ठीक है। इसी भी में हमने आपको बताया कि इसके अंदर ये जो ITW के अंदर बाटर के अलावा यहां पर यदि मान लो कोई खाड़ी है, ठीक है, खाड़ी है जिसको कहते हैं गल्फ, या कोई समुद्र का हिस्सा निकला हुआ है, आर्म्स ऑफ द समुद्र, आर्म्स ऑफ द सी, तो आर्म्स ऑफ सी को कहते हैं बेज। क्या कहते हैं? वे। जैसे नहर कहते हैं, नहर निकलती है नदी की, ये वेज होती है सीज की। ये सब एरिया कोई बीच में यहां पे बंदरगाह है, हार्बर है, हार्बर बंदरगाह है रोकने के लिए, या कोई उफान वाली नदी है, टाइडल, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? ये सब इंक्लूड होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर के अंदर। हाँ जी, बात ये समझ में आती है आपको? इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, कोई भी जो भी जहाज आता है तो यहां से कोई भी वेसल यदि चलेगा, ये मान लो कोई वेसल, ये वेसल यहां से चलता है, ये फॉरेन पोर्ट है, मान लो ये है फॉरेन, फॉरेन पोर्ट से कोई भी फॉरेन पोर्ट से यहां से एंटर होता है, तो जो एंटर होने के बाद में यहां पर क्या है, यहां गार्ड बैठे होते हैं। क्या होते हैं? कोस्टल गार्ड एंड कस्टोडियन होता है, किस पर, यहां होता है कस्टोडियन गार्ड होते हैं, वो देखते रहते हैं। अब ये जैसे माल, ये आपका वेसल यहां आता है, ठीक है, तो ये जो है देखते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस कस्टम पोर्ट की जगह, ये आपने समझ लिया हो तो मैं इसको थोड़ा सा खाली कर देता हूं। हाँ, अब ये जो है गार्ड ये देखते रहते हैं कि ये जो वेसल है ये कहीं हमारा जो है जो नोटिफाइड पोर्ट पे तो नहीं जा रहा, कहीं स्मगल तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो हमेशा यहां पे डायरेक्ट करते रहते हैं कि आपको इस पर ही उतरना है। लेकिन कोई इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में मान लो ये हो या एयरक्राफ्ट से माल आ रहा हो, तो इमरजेंसी के केस में वो नोटिफाइड पर या कहीं भी उतर सकता है। मान लो कंट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, आग लग गई, अब इधर की तरफ आ ही नहीं पा रहा है, तो कोई इमरजेंसी के केस में वो यहां उतर सकता है। तो वो बता देता है कि भाई इमरजेंसी के केस में कि भाई इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी केस में यहां सेक्शन 29 एप्लीकेबल होता है, वो कहता है इमरजेंसी केस में आप किसी दूसरे पोर्ट पर या कहीं भी जा सकते हैं, उतर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा, यदि इमरजेंसी में कहीं और उतरे तो आप पहले ही बताएंगे। क्या बताएंगे? तो आप सबसे पहले फोन पर या किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किसी तरह कम्युनिकेट करेंगे किसको,
कस्टम ऑफिसर को। यदि कस्टम ऑफिसर को नहीं कर पाते हैं तो वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन को। और अगर जान माल का खतरा नहीं है, खतरा ना हो तो आपको रोकना है वैसल, वैसल से ना उतरना ना सामान ले जाना। लेकिन अगर जान माल का खतरा हो, आग लग गई हो, तो आदमी कूद के भागेंगे तब तो आप भागिए। ठीक है, सेक्शन 29 कहता है कि इस कस्टम पोर्ट के अलावा भी आपकी लैंडिंग हो सकती है, अदरवाइज आपको क्या करना होता है, लैंडिंग हमेशा क्या करनी होती है, कस्टम पोर्ट पे। तो यहां पर ही कोस्टल गार्ड होते हैं, वो यहां पर पहुंच आते हैं। और जैसे ये होता है तो क्या होता है, वायरलेस सेट्स होते हैं, उनसे पूछते हैं कौन हो, कहां से आए हो, क्या लाए हो, क्यों लाए हो, कहां जाना है, क्या कागज वगैरह है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछता है और इन ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इनका जवाब देता है सेक्शन 30 के अंदर कौन देता है, जो सिप इंचार्ज होता है। इंचार्ज हमने क्या बताया, सिप के केस में मास्टर, एयर के केस में एयरक्राफ्ट के केस में पायलट या कमांडर, ट्रेन के केस में गार्ड, और अदर केसेस में हमने क्या बताया, ड्राइवर। वो एक देता है, उसको हम कहते हैं आईजीएम। उसको क्या कहते हैं, आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो। इन सब चीजों का जवाब, कौन हो, कहां से आए हैं, क्या लाए हैं, क्यों लाए हैं, कहां जाना है, क्या कागज वगैरह, ये सब इंपोर्ट का जो है जनरल का जवाब देता है, कि या तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, या इनका यहाँ पे एजेंट बैठा होता है, इंडिया में एजेंट होता है, तो एजेंट सारी इंफॉर्मेशन लेके या कस्टम ऑफिसर्स को बताता है। ठीक है, आने से पहले खबर देते हैं इंपोर्ट जनरल की, हम ये आ रहे हैं और ये चीजें ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक इनको एंट्री ग्रांटेड होती है। ये जो बर्थ बनी होती है यहां पर, जैसे रेलवे की बर्थ होती है, उतारने के लिए, सामान उतारने के लिए, ये थोड़ी किसी का सामान कहीं उतर जाएगा, तो बर्थ होती है ये, मान लो सामान उतारने के लिए बर्थ नंबर 20। तो इसके बाद में ये जो सेक्शन 30 के अंदर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो जब जमा हुआ कस्टम ऑफिसर को, तो कस्टम ऑफिसर्स, इनके एजेंट कस्टम ऑफिसर से एक लाइसेंस लेंगे, यानी सेक्शन 31 के अंदर इशू किया जाएगा। क्या इशू किया जाएगा, इनको एंट्री होगी, एंट्री करके एक इनवार्ड गेट, जैसे इनवार्ड गेट, इनवार्ड इशू ग्रांट का लेटर मिलेगा कि भाई आप को ये 20 नंबर बर्थ पे आप माल उतार सकते हैं। अदरवाइज का समय ये थोड़ी कि कोई भी आया कहीं भी उतार ले, पोर्ट पर जगह ही बहुत कम होती है, तो उस पोर्ट पर। ठीक है, तो ये जो है, जो बर्थ नंबर जो ये दिया जाता है इस बर्थ को, ये सेक्शन 33 के अंदर ये कहते हैं अप्रूव्ड प्लेस। इसको क्या कहते हैं, अप्रूव्ड प्लेस, कि इस जगह पर आप इस जगह पर माल उतार लीजिए। ठीक है, साथ में ये जो माल उतारना है, ये सेक्शन 32 क्या कहता है, जो माल आईजीएम में लिखा है, जो सेक्शन आईजीएम में जो माल लिखा है, वो ही माल आप उतार सकते हो। क्योंकि एक ऑफिसर होता है सेक्शन 34 के अंदर, एक एक्साइज का एक बड़ा अफसर, एक्साइज का बड़ा अफसर के सुपरविजन में
के सुपरविजन में ये माल के सुपरविजन में ये माल उतरता है, ठीक है। बात को समझ में आई? ये बहुत बड़ा पान उसका होता है, तो आप सीधी सीधी बात समझिए कि आने से पहले ये 12 नॉटिकल माइल से पहले देख लेते हैं, फिर पूछते हैं, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग हो तो आप उधर बता के उधर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लैंड करें आप बताएं कि इस वजह से हमें यहाँ लैंड करना पड़ा है, अदरवाइज आपको कस्टम पोर्ट पर ही आना है। कस्टम पोर्ट पर आने से पहले, पहुंचने से पहले ही आपको एक सेक्शन 30 के अंदर IGM बनाना होता है, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टो। ये कौन है जो उसका इंचार्ज है, जिसकी हमने डेफिनेशन बनाई बताई थी आपको, ठीक है। उसको एक बताएगा कि हमारे पास ये माल है, उस माल के बेसिस पे वो देखेगा कि कितने किलो माल है, कितना टन माल है, कितने कंटेनर है, उसके हिसाब से कस्टम ऑफिसर देखेगा इनको कितनी जगह की जरूरत होगी, वो जगह अलॉट करेगा। उसको कहते हैं इनवर्ड एंटी इनवर्ड इश्यू ग्रांट। तो सेक्शन 31 है, ये समझ लो आपका जैसे रिजर्वेशन का होता है ना, ये बर्थ मिल गई, तो ये आपको माल की बर्थ मिल गई, डिपेंडिंग ऑन के कितनी सवारी है यानी कितना माल है, तो वो आपको बर्थ मिल गई। तो जैसे रेलवे में एक बर्थ है, एक बर्थ पर ये थोड़ी आप दो तीन चले जाओगे, तो इसी तरह सेक्शन 32 के कहता है कि जितना माल है केवल आप उतना ही उतार सकते हैं, ठीक है, और उसी प्लेस पे उतार सकते हैं जो प्लेस अलॉटेड है, और कहीं नहीं उतार सकते। और ये सब काम करता है, एक्साइज का ऑफिसर्स होता है, वो ऑफिसर्स के सुपरविजन में होता है। हालांकि यहाँ पर एक डंडा लेके आदमी जो खड़ा होता है वो ये देखने के लिए, उसको कस्टोडियन कहते हैं माल के लिए, कि माल आपका गड़बड़ ना हो जाए, वो कस्टोडियन होता है जो उसकी देखभाल करता है। और ये जो है यहाँ से जो इशू होती है स्लिप, एक छोटा अफसर होता वो होता है एक्साइज का मैन, आप समझ लीजिए भोलू या छोटू कह लीजिए, ये जाएगा और ये जो IGM लेके यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका माल एंटर होता है, समझ में आया। और ड्यूटी किसके ऊपर लेवी हो जाती है, यहीं से, यानी माल आपका इंपोर्ट तो यहीं से माना जा रहा है और यहां तक माना जा रहा है, लेकिन ड्यूटी यहां की जगह यहां लग रही है, जिस तरह एक्साइज में रिमूवल पे लगती थी यहां भी रिमूवल है। बेसिकली लेवी लीगली यहां पे हो जाती है, लेकिन ओनली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज लेवी यहां होती है, और एक्सपोर्ट के केस में यहीं पे लेवी हो जाती है, जबकि प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट कब होता है, यहां के बाद। यदि बीच में यहां पर ही जहाज डूब गया तो यहां तो एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन क्योंकि इसको पार नहीं कर पाया तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, और यहां जहाज डूबा तो एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आया? तो ये आपको समझना है कि इस तरह हमारा प्रोसीजर चलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो जो हमने आपको बात बताई थी, इंपोर्टेड गुड्स मींस कि गुड्स एंटर्ड इनटू द इंडियन टेरिटोरियल वाटर बट नॉट क्लियर, यानी जब तक आप मेट्रो स्टेशन पे हैं तब तक आप सवारी हैं, चाहे आप यहां पर हैं चाहे वेयर हाउस में बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको बेसिकली जो हमने अभी तक डेफिनेशंस बताई थी उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप समझिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने आपको जो बताया था कि ये जो है कस्टम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ये समझ में आया? हाँ जी, इसको हम इरेज कर दें, यस।
हाँ जी, तो हमने जैसा कि आपको बताया कस्टम, ये जो शब्द बना है ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बना है। तो कस्टम कहते हैं एक प्रथा को। पहले राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था, एक राजा की बाउंड्री से दूसरे राजा के यहाँ कोई भी व्यापारी या तो वहां से माल लाता था या वहां से माल ले जाता था, दोनों केस में राजाओं को कुछ कस्टमरी गिफ्ट देता था। वो एक प्रथा बन गई थी। तो उसी कस्टम के हिसाब से कि माल आने पर गिफ्ट धीमे धीमे उसका रूप बदलता गया और वो लॉ के बेसिस पे इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी बन गई। ठीक है, तो इसके लिए आखिर में बन गया कस्टम एक्ट और एक बन गया आपका कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम एक्ट बन गया। कस्टम एक्ट का पर्पज क्या था, ये करता था लेवी एंड कलेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन। और कस्टम टैरिफ एक्ट जैसे एक्साइज टैरिफ एक्ट था, इसकी शेड्यूल वन बताती थी इंपोर्ट पे क्या ड्यूटी लगेगी और शेड्यूल टू पर बताती है क्या एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी। ये बेसिकली इररिलेवेंट है, बहुत ही रेयर कुछ ही दो तीन आइटम पे कभी कभी ड्यूटी लगती है और दो तीन आइटम्स पे है और वो भी बहुत कम ड्यूटी है। तो इस तरह ये हमारा बेसिकली कस्टम है। पर्पज इसका ये था, कलेक्शन ऑफ, तो पर्पज इस ड्यूटी का क्या था, पर्पज था कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, लेवी ऑफ ड्यूटी, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस पर्पज की वजह से ये सारा आपका एक्ट लगता है। ठीक है, उसके अलावा इस कस्टम एक्ट का फेमा एटसेट्रा कुछ एक्ट के अंदर भी, फेमा एटसेट्रा के लिए भी इस कानून का उपयोग एंड अदर एक्ट एटसेट्रा अदर एक्ट्स के लिए भी कई बार कस्टम एक्ट के हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके रूल्स रेगुलेशंस कौन बताता है, इसके रूल्स वन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और इसको इंप्लीमेंट रूल मेक करे सेंट्रल गवर्नमेंट और इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, रूल यानी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है, तो सीजी जो भी रूल बनाती है उसे पार्लियामेंट से पास कराना होता है, सीबीईसी को पार्लियामेंट के पास नहीं जाना होता, पार्लियामेंट से पास नहीं, क्योंकि ये रेगुलेशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में स्टेट्यूटरी फोर्स है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो इसका मतलब लीगली एनफोर्सिएबल। तो जो बाउंड्रियों से आना जाना है ये लीगली एनफोर्सिएबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझी।
आपने कहा कि सर ये जो ड्यूटी आपने बताई शेड्यूल वन के हिसाब से और शेड्यूल टू के हिसाब से, इसके अलावा भी कोई ड्यूटी होती है? हाँ जी। तो ये ड्यूटी कुछ और भी होती हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। बेटे आजकल आपको पता है इंडिया है, और इंडिया में आपको पता है दूसरा कंट्री चाइना है दादा। हाँ जी। तो मान लो कोई प्रोडक्ट यदि 100 रुपीज का है, चाइना से भी 100 रुपीज का आ रहा है, और हम लोग 8 रुपए की उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, तो 108 रुपए का हो गया। हाँ जी। मैं अभी एजुकेशन सेस वगैरह वो केवल ये एग्जाम्पल के लिए इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो क्या किया कि इंपोर्ट वाला जो है ये तो हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर है और ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। तो इसके लिए एक सीबीडी सेक्शन 31 के अंदर सेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई, यानी ये एक्साइज ड्यूटी की जगह, एक्साइज ड्यूटी की जगह, क्योंकि यदि बाहर वाले पे एक्साइज ड्यूटी तो कह नहीं सकते कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, तो ये ईडी दूसरी तरह से दूसरे नाम से लगा दी गई 8 रुपए, यानी आप समझ लिए ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ये इंपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी है, नाम बदल गया, नाम बदल गया, काम वही है, काम वही है, ठीक है। तो ये आ गया 108। अब हमने इस पे बैट लगाया, बैट लगाया मान लो 4 रुपीज 34%, तो ये हुई 112 रुपए 32 पैसे की। तो फिर हमने एक और सीबीडी यहां भी लगा दी, 35 की सीबीडी कह ली, यानी ये बैट है, सीबीडी 35 मीन्स बैट, नाम बदल गया 4 32 112 32। लेकिन फिर क्या हुआ, चाइना वाले डंपिंग करने लगे, बहुत सस्ता माल देने लगे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हमें सेफ गार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटियां ड्यूटी लगानी पड़ी, कोई भी 20 और 30 मान लो, तो इस तरह जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके। तो इस तरह ये जो ड्यूटी है इंपोर्ट, जो इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा एक तो हमने बताई आपको ड्यूटी जो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर है, दैट इज शेड्यूल वन के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी एंड शेड्यूल टू के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके अलावा ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है 31 एक्साइज वाली और 35 सीबीडी वैट वाली। उसके अलावा सेफगार्डिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब चीजें भी इस तरह तरह की ड्यूटी हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैट के बाद एक कंसेप्ट और था, दैट इज, ये कॉपी किया आपने? हाँ जी। ये बच्चे किया कॉपी? हाँ सर। तो बेटे ये थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूं कि आपके पास यदि कॉपी करने में नहीं है तो आप पॉज कर सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन हम जितना ज्यादा कवर कर सके, ठीक है। अब आ जाइए आईसीडी वर्सेस, एक हमने बताया था इंटरनल इनलैंड कंटेनर डिपो वर्सेस कस्टम फ्रेट स्टेशन, इनमें क्या फर्क था, ये अभी आप लोग में किसी ने पूछा था। तो आईसीडीए के अंदर जो कंटेनर्स आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, इसी तरह कंटेनर्स आर एग्रीगेटेड, इन कंटेनर्स को सबको एग्रीगेट कर लिया जाता है, एग्रीगेट करके, ठीक है,
तो ये जो है ओवरसीज पोर्ट के लिए भेज दिया जाता है, और इस आईसीटी के अंदर इट में इंक्लूड सीएफएस, इसके अंदर भी कस्टम फ्रेट स्टेशन भी हो सकता है। इस सीएफएस में कंटेनर्स आर में कुछ स्टफ्ड किया जाता है, ठीक है, ओके, एंड सेग्रीगेट एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है जिसको अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको डेफिनेशन का फर्क मैंने बता दिया, फिर आपको इसको और बताते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, शिपिंग बिल्स, इंपोर्ट, स्टोर्स, गुड्स, एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, कस्टम, ये सब हमने आपको बताए थे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और कंसेप्ट से आगे का बताते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। थैंक यू।